Good morning, students. Good morning, students. Good morning. I welcome you all. आप सबका स्वागत है एक बार फिर से यूपीएससी अड्डा 24/7 पर. दिस इज मी निधि सिंह. आप सबका स्वागत करती हूँ. जल्दी से आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए मुझे. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास. आप लोग प्लीज शेयर कर दीजिएगा क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा. गुड मॉर्निंग नुसरत, गुड मॉर्निंग सुरभि, कैसे हैं आप लोग? शेयर कर दीजिएगा. हेलो अनामिका, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग डियर. जल्दी से आइए. चलिए स्टार्ट करते हैं पेंटिंग्स. तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था किस तरीके की आपकी पेंटिंग्स में बेसिक्स होता है, इनका प्रिंसिपल क्या होता है बनाने का, म्यूरल पेंटिंग क्या होती है, केव पेंटिंग क्या होती है, कितनी तरह की पेंटिंग्स होती है, सब मैंने बताया था, है ना. हेलो रजनी, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा. तो चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ अलग जो पेंटिंग्स है, डिफरेंट पेंटिंग्स के बारे में और ज्यादा हम डिस्कस करेंगे. बहुत तरह की पेंटिंग्स है, हजारों हजारों टाइप्स की पेंटिंग्स है इंडिया में. तो वो सब पेंटिंग्स आज हम जानेंगे. बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है और आपको काफी ज्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट भी फील होगा, क्योंकि आप जहाँ से बिलोंग करते हो सकता है आपके यहाँ से भी कोई पेंटिंग फेमस हो, है ना. तो चलिए देखते हैं. इससे पहले मैं आपको बता दूँ 77% ऑफ का फायदा उठाइए. इंडिपेंडेंस डे का शायद ये आज खत्म हो जाएगा या हो चुका होगा, या देख लीजिए आप एक बार, ठीक है. तो 77% जो ऑफ है ये आपको मेरा कोड अप्लाई करने पर आपको मिल जाएगा. किसी भी कोर्स को आप बाय करते हैं तो यूज कोड Y326, 3 × 6, ठीक है. अगला जो पेंटिंग है स्टूडेंट्स, चलिए डिस्कस करते हैं, वो है बाघ केव. बाघ केव कहाँ है? ये भी आपका एमपी में है और इसका जो डिजाइन है कहीं ना कहीं अजंता की जैसा ही है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर आपकी जो है जातका स्टोरीज, जातका मतलब मैंने बताया था जो भी भगवान बुद्धा से रिलेटेड है, उनके प्रीवियस जो बर्थ है, प्रीवियस इनकारनेशन है, उनसे रिलेटेड जो स्टोरीज होंगी वो यहाँ पे इंक्लूड की जाती है, ठीक है. तो आपकी बाघ केव्स हो गई. अगला जो केव हो जाएगा देखना, अगली केव्स है रावण छाया केव्स. रावण छाया केव आपकी जो ओडिशा में हो जाएगी, क्योंझर डिस्ट्रिक्ट. ये काफी ज्यादा फेमस है, आपको पता है, माइनिंग के लिए, ठीक है. ओडिशा में बहुत सारे माइन मिलते हैं तो क्योंझर वैसे ही फेमस है. और ये रॉयल पोजेशन प्रोसेशन ऑफ 7th AD, मतलब 7वीं शताब्दी AD के आसपास ये रॉयल पोजेशन जो उस समय जो रूल करता था ओडिशा में, उन्होंने बनवाया है रावण छाया. आपकी जो यहाँ की पेंटिंग्स हो जाएंगी उनको, ठीक है. इसमें 11th सेंचुरी की, देखो सुन, ये ऐसी पेंटिंग्स है जो आपको 11th सेंचुरी की चोला पेंटिंग्स भी यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है. तो ये ध्यान रखना आप. इसके अलावा आप देखेंगे तो मैं आपको बताती हूँ, रावण छाया के अलावा यहाँ पर लेपाक्षी पेंटिंग्स भी हो जाएंगी. लेपाक्षी कहाँ है? ये विजयनगर एम्पायर जिसको हरिहर बुक्का ने एस्टैब्लिश किया था, और तुलुब डायनेस्टी के कौन से राजा थे जो बहुत फेमस थे? कृष्णदेव राय, ठीक है. कृष्णदेव राय बहुत फेमस हो जाएंगे. हेलो नीरज, अरे कितने दिनों बाद आए, आप तो गुम ही हो गए थे. नीरज के नाम से छोले भटूरे भी चले गए, मैंने सोचा आपको दिल्ली भेज दूं, इस बहाने पर आप आए नहीं तो मैं क्या करूं, बताइए. आए ही नहीं आप, कितना वेट किया मैंने, बताओ कितने दिनों तक आपका वेट किया, पूछो जरा इनसे, इनसे पूछिए जरा कितना वेट किया मैंने, है ना. पायल जी, एमपी वाले आ गए. हाँ जी बिल्कुल आ गए एमपी वाले. नीरज जी सुना है परसों, परसों नहीं, मैं कल भी आपको याद कर रही थी, कल भी मैंने आपको याद किया है, ठीक है, परसों नहीं था. तो कैसे हैं आप, एग्जाम वगैरह चल रहा था? ओके तो चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे मैं बढ़ती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत ज्यादा पेंटिंग्स है, इतनी ज्यादा है कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, ठीक है.
इसलिए ज्यादातर पिक्चर्स भी मैंने इंक्लूड किए आपको एग्जाम्पल दिखाने के लिए। देखो ये पिक्चर आपको देख के क्या समझ आ रहा है, पहली बात विजयनगर जो लिपाक्षी टेम्पल, लिपाक्षी जो पेंटिंग्स हो जाएंगी ये आपका डिपेंड, वो आती है हम्पी से। हम्पी कहाँ है, हम्पी विजयनगर की आपकी क्या होती थी कैपिटल। इसके बाद हेलो प्रखर, थैंक यू सो मच मैम, किस लिए थैंक यू, हम थक गए एग्जाम देते देते, प्रखर ने थैंक यू कर रहे हैं हमें, आते ही थैंक यू, बधाई बधाई क्यों थैंक यू बोल रहे हैं जी। अरे वाह, चलिए तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि लेपाक्षी जो जो आपकी पेंटिंग्स हो जाएगी ग्रे कलर में होती, थोड़ा सा डाउन कलर है, देखो डार्क कलर कहीं दिख रहा है, कहीं नहीं ना, तो देखो ये वही कलर्स हैं जो एकदम लाइट कलर्स हैं, तो ग्रे शेड में होती है, प्राइमरी कलर से डिपिक्ट द डिक्लाइन। इस टाइम पे आपका पेंटिंग्स का डिक्लाइन शुरू हो गया था, विजयनगर एम्पायर था मिडाइवल टाइम पे था आपको पता है, तो यहाँ से आप देखेंगे तो जो एम्पायर है मेनली जो विजयनगर एम्पायर है वो यहाँ पर आपको डाउन के साइड में दिखेगा पेंटिंग्स के लिए। एक क्वेश्चन कर दो जरा, ये यूपीएससी का 2015 का सवाल है, कर दो जरा मजा आ जाएगा, ये तो अभी कल परसों भी बात हो रही थी। अपडेशन ऑफ वीडियो, इतना सुंदर वीडियो बनाएंगे तो क्यों नहीं अपलोड करेंगे, कितनी एंट्रीज आई मैं बता नहीं सकती आपको, इतना मजा आया मुझे देखते हुए। मेरे मैंने अपने पर्सनल ग्रुप्स में भी उनको शेयर किया है, मेरी फैमिलीज में मैंने दिखाया है पूरा, मतलब दिखाया मैंने शेयर किया उनको कि देखो ऐसे ऐसा पगड़ी स्पेशल शी इज ग्रोइंग, हाँ बड़ी हो गई अब ग्रेशिया है ना, और वो डांस वाला और वो जो गाना था वंदे मातरम और छोटे छोटे बच्चे, ओ माय गॉड बहुत कुछ मिला, जिसको जो जो कर सकता था वो उन्होंने किया और जरूर मुझे भेजा। एक्चुअली अब क्या है ना कि स्कूल बंद है तो स्कूलों ने बोल दिया है कि घर से ही आप हमें कल्चरल एक्टिविटीज करके दे दीजिए, अदरवाइज पहले तो जो है पूरा फंक्शंस होते थे स्कूल में, अब वो नहीं हो रहे हैं इस वजह से भी, जितने भी बाकी थे। अच्छा नीरज वेरी गुड, और एक और बात, अमरीश जी भी बहुत बहुत बड़े उत्तम दर्जे के सिंगर हैं, कल रात को इन्होंने मुझे भेजा, रात को ही भेजते हैं वैसे अक्सर, और काफी मतलब बहुत ही अच्छा गाना इन्होंने चुना था, बहुत मुश्किल गाना था और इतने अच्छे से ही गाया इन्होंने, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। तो अमरीश जी थैंक यू सो मच इतना समय निकालने के लिए अपना, और बहुत मैंने उसको पिन कर रखा है, कई बार सुन चुकी हूँ उसको, थैंक यू। चलिएगा कलमकारी बता दो जरा, कलमकारी पेंटिंग्स क्या है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन 2015 का, नीरज ने बताया है सी ऑप्शन, अच्छा ए ऑप्शन, हैंड प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल इन साउथ इंडिया, नीरज का मानना है ए या डी, अच्छा सी, अ ब्लॉक पेंटिंग वुलन क्लॉथ इन वेस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न हिमालय मतलब आपका कश्मीर उत्तराखंड हिमाचल, ठीक है, और क्या गलती से तो नहीं भेज दिया अमरीश भैया ना 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 गलती नहीं करते, ये बहुत कुछ बेहतर, थोड़ी सी अजीबोगरीब चीजें भेजते रहते हैं और मेरे पास में कई बार टाइम ही नहीं होता है, जब ये दोबारा मुझे बोलते मैडम आपने सुना, तब मुझे याद आता, अरे अरे ये भी सुनना था बाली को मैं विश करना भूल गई, बाली ने मुझे लेट नाइट पर विश किया, मैडम आप तो भूल गए, अब मैं क्या करूँ भाई, काम इतना होता है और कल तो वैसे भी थोड़ा सा संडे था, थोड़ा सोचा कि चलो अपने भी कुछ काम निपटा लें। ओके अनु मलिक से, अनु मलिक से सिफारिश किया, तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन किस किसने दिया है, प्रखर ने दिया है, नुसरत ने दिया है, नुसरत को पता है ना इसीलिए, चलिए नुसरत इज वेरी स्मार्ट। अब है अन्ना मलाई केव पेंटिंग, सब ये देखो अन्ना मलाई मैंने आपको बताया था, अन्ना मलाई है, कार्डमम है आपकी, अनाई मुड़ी है, ये तीनों जो है रेंजेस आपकी एक लाइन में है वेस्टर्न घाट्स का, जो सबसे लोएस्ट सबसे जो साउथवर्ड जो एक्सटेंशन है वहां पर ये है, ठीक है, तो वहां पे आपकी केव पेंटिंग, वहां पे जो केव्स पाई जाती है ना उन केव्स में जो पेंटिंग्स है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में आती है तमिलनाडु के, जैन टेम्पल है 8th AD में ये बनाई गई थी, टेल्स ऑफ अष्टाधिक पालकास, डीटीज ऑफ 8 corners, ठीक है, तो इसमें क्या है मतलब अष्टाधिक पालकास और ये आठ अष्टाधिक आपकी आठ जो दिशाओं में, ठीक है, ये पालकास मतलब जो भगवान है आठों दिशाओं में जो भगवान है उनकी पूजा के लिए उनकी मान्यताओं के लिए ये जो केव्स डेडिकेटेड है, ठीक है। सित्ता नवसाल केव पेंटिंग ये भी बहुत फेमस है, ये भी तमिलनाडु में आती है, ठीक है, बेसिकली आप अजंता एलोरा ही पढ़ते हैं बट बहुत सारी केव्स है इंडिया में अभी भी, शेयर कर दो क्लास को जरा शेयर कर दीजिए।
अन्नू से बढ़िया तो आदमी खुद गा ले, अन्नू से बढ़िया मतलब इसलिए तो बोला उनसे सीखा है। नो प्रकर ब्रो किसी से भी नहीं, अरे वो संगीत घराने से बिलोंग करते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए उनका संगीत बहुत बढ़िया है। शशांक जी लिखते हैं कल के दिन हमारा देश आजाद हुआ, कल के दिन अफगानिस्तान गुलाम हो गया, बहुत दुख की बात। और पता नहीं शायद देखा जाए तो नियर फ्यूचर में हमें भी इससे कुछ नुकसान हो सकता है, क्योंकि आतंकवादी कहीं भी हो वो किसी के लिए अच्छे नहीं होते हैं, है ना। चलिए इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए 97 साल की बात करें, तमिलनाडु जैन टेम्पल्स यहाँ पे ज्यादातर पाए जाते हैं, तो 97 साल पेंटिंग में अजंता वॉल, बाग वॉल, सीलिंग पिलर्स, वेजिटेबल कलर्स, मतलब जैसे अजंता में काम है, जैसे बाग के ऊपर काम है, वैसे ही यहाँ पर है वेजिटेबल्स कलर का यूज किया गया है, और ये पल्लवा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, मतलब उस टाइम पे ये बनाए गए थे, ठीक है। चलिए अगला हो जाएगा, अगला एक और क्वेश्चन आप सॉल्व कर दीजिए, कुचिपुड़ी को भरतनाट्यम डांस से कैसे अलग करेंगे, कुचिपुड़ी को भरतनाट्यम से कैसे अलग करेंगे, जल्दी से बताइए। हम भी गुलामी के ही गरीब हैं, सॉन्ग नेम दो। अब ये क्यों बताएं हम, बताओ ये हमारी पर्सनल बात, मेरी अमरीश जी ने भेजा मुझे, ये मैं क्यों बताऊं आपको कौन सा सॉन्ग, बताइए। अब चाहे वो इना मीना डीका हो या आपका जो है रमपम पोष हो, कुछ भी हो सकता है, हम क्यों बताएं आपको। चलिए भरतनाट्यम डांसेस, यहाँ पे आपका जो है कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम के बीच में डिफरेंस क्या है ये आपको बताना है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो कुचिपुड़ी जो है उसमें नाचने के साथ साथ गाया भी जाता है, ये ऐसा डांस फॉर्म है, दोनों के दोनों क्लासिकल है, शास्त्रीय है। और जो आपका जो कुचिपुड़ी डांस है ना, ये नया है कंपैरेटिवली भरतनाट्यम के, भरतनाट्यम ज्यादा पुराना डांस है, लगभग आज से 2000 साल पुराना ये डांस हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड, वन ओनली डांसर्स ओकेजनली स्पीकिंग डायलॉग्स आर फाउंड इन कुचिपुड़ी डांस बट नॉट इन भरतनाट्यम, बिल्कुल सही बात है, यही बताया मैंने। डांसिंग ऑन ब्रास फ्लेट बाय कीपिंग ऑन द फीट ऑफ इट्स एजेस इज फीचर ऑफ नॉट भरतनाट्यम, इट्स भरतनाट्यम का नहीं है ये, है आपका कुचिपुड़ी का फीचर। आपने कभी हेमा मालिनी को देखा है उनको डांस करते हुए, शी इज अ वेरी ट्रेन्ड क्लासिकल डांसर, उनकी दोनों बेटियां भी और वो भी बहुत अच्छी ट्रेन क्लासिकल डांस, वो बेसिकली ये डांस करती हैं जो ब्रास प्लेट पर उन्होंने किया हुआ है, राइट। थोड़ा सा आइडिया आ गया यूपीएससी कैसे फ्रेम करता है क्वेश्चन, आ गया ना, तो देखो इसीलिए मैं रखती हूँ सब। अब मिनिएचर पेंटिंग, देखो मैं आपको याद हो मैंने बताया था रेड लेड पेंट होना चाहिए, रेड लेड पेंट होना चाहिए आपका पेंटिंग में, उसको हम मिनिएचर बोलते हैं, ठीक है। और एक मिनिएचर का टाइप ये होगा कि जो पेंटिंग है ना वो 25 स्क्वायर इंच से ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, अगर पेंटिंग आप बना रहे हैं 1/6 से ज्यादा उसमें ऑब्जेक्ट जगह ना घेरे, ठीक है, 1/6 से ज्यादा उसमें जगह ना घेरे, 1/6 पार्ट पे ही वो उसका जो है साइज आना चाहिए। और 9 से 11 सेंचुरी के बीच में ये स्कूल डेवलप हुआ था मिनिएचर पेंटिंग्स का, ठीक है, मिनिएचर पेंटिंग। अगला हो जाएगा इसकी जो है खास बात क्या हो जाएगी इसमें, कि बल्जिंग आईज, पॉइंटेड नोज, स्लिम वेस्ट, कलर इज डिफरेंट इन रीजन्स, लॉन्ग हेयर, मेल हैट, टर्बन, जो आपके मेल हो जाएंगे, मेल मतलब जो आपके पुरुष पात्र हो जाएंगे उनके पास टर्बन होगी, तो बेसिकली हम कह सकते हैं थोड़ा सा राजपूताना पेंटिंग से ये आपका इन्फ्लुएंस है। अब है पाला स्कूल ऑफ आर्ट, पाल कहाँ पे है, पाल स्कूल ऑफ आर्ट, ये देख लेते हैं पाल स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ, पालस मतलब बंगाल से आते हैं पालास, ठीक है, तो आपको पता है गोपाला, धर्मपाला, ठीक है। तो 750 से 1150 एडी के बीच में मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखी गई विद पेंटिंग्स, देखो ये मैन्यूस्क्रिप्ट से मतलब यहाँ पे हाथ से लिखा गया, मैन्यू मतलब हाथ, ठीक है, स्क्रिप्ट मतलब लिपि, तो हाथ से लिखी गई जो लिपियां होती हैं उनके बीच में यहाँ पेंटिंग्स बनाई गई हैं, ये पाल स्कूल की पहचान है। पाम लीफ पे है, और पाम लीफ मतलब जो ताड़ का पेड़ होता है वो बंगाल में ज्यादा होता है, तो वहां पे ये पत्तियों पे लिखा जाता है। और वेलम पेपर लोनली सिंगल फिगर, मतलब इसपे ज्यादातर सिंगल फिगर ही बनाई जाती थी, जैसे बुद्ध के बारे में बात हो रही है तो बुद्ध बना दिए। हस्तलिपि, में है बिल्कुल मिलेंगे, प्रीवियस ईयर तो कहीं से भी ले सकते हैं आप, इंटरनेट पे मिल जाएंगे।
वज्रयान स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। वज्रयान कौन सा स्कूल है? हीनायान है, महायान है, वज्रयान वो स्कूल है जहां पर तंत्र मंत्र ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसके बाद अपभ्रंश स्कूल। अपभ्रंश ये हमारी जो हिंदी लैंग्वेज है, जो आज की मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं उनका एंशियंट रूप है, मतलब वहां से अपभ्रंश से ही ये जो पेंटिंग्स आपकी निकल के आई है। गुजरात और मारवाड़ में है, राजस्थान के, और 11th से 15th सेंचुरी AD में पाई जाती है। पाम लीफ पे बेसिकली ये आपकी माना जाता है कि पाम लीफ पे बनाई गई है। सिंबॉलिक मीनिंग है इन पेंटिंग का, क्योंकि जो ये जैसे आपका यहाँ पे राजा है और ये सपोज कोई देवी है, देवता है, तो सिंबॉलिक मीनिंग इनका ज्यादातर दिखाया गया कि उनको जो है किंग को शेर से दिखा दिया गया है, क्वीन को आपका जो आपका के जो है क्राउन से दिखा दिया गया है, इस तरह की सिंबॉलिक मीनिंग की पेंटिंग्स पाई गई हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिश शेप्ड आई है, आईज हमेशा ऐसे लंबी बनाई गई, ऐसे ये आईज यहाँ पे बनाई गई, ठीक है। तो फिश शेप्ड में आपकी आईज बनाई गई है। डबल चिन, डबल चिन जो आप मोटापा होता है तो डबल चिन आ जाता है वो। ऑर्नामेंटेशन केयरफुली, मतलब कौन सा क्या आपको इनको जो है गहना पहनाना है, इन सब बातों का ध्यान रखा गया है, ठीक है। एनिमल एंड बर्ड फिगर्स एज टॉयज, मतलब आपका यहाँ पर ज्यादातर ये जो एनिमल्स है, बर्ड्स है, कि कोई वहां पे टॉय दिखाया गया है या उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, उसको अजीब घोषित, अजीब दिखाया गया है, तो वो यहाँ पर दिखाया गया है एनिमल्स की फिगर को, ठीक है। तो कहने का मतलब टॉयज की तरह उनको रिप्रेजेंट किया गया है। और इसको हम काल छाया कथा, 15th AD कल्प सूत्र, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ज्यादातर एनिमल्स की पिक्चर पाई गई है, ठीक है। अच्छा चलिए, इसके बाद ट्रांजिशन पीरियड। ट्रांजिशन पीरियड क्या होता है स्टूडेंट, कि जैसे हम आज ट्रांजिशन पीरियड में जी रहे हैं, कि ना तो हम वेस्टर्न सोसाइटी हैं ना हम कंप्लीटली इंडियन बचे हैं, हम बीच में कहीं रह गए हैं, हम उधर बनने की कोशिश कर रहे हैं, उधर को हम छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रिक्टनेस कौन चाहता है? सब चाहते हैं हम अपनी लाइफ में फ्री हो, आजादी मनाए हर रोज 15 अगस्त हो, है ना। तो ये सब चीजें पाई गई हैं ट्रांजिशन पीरियड में। इसमें क्या हुआ था कि जब इस्लाम भारत में आया ना, इस्लाम कब आया था कि आपका 7th सेंचुरी और 8th सेंचुरी AD, जब मीर कासिम जो है आपका मोहम्मद कासिम, सॉरी मोहम्मद कासिम जब भारत में पहली बार आया था, पहला अरब था जो मुस्लिम था भारत में जिसने प्रवेश किया सिंध के रास्ते से। तो 14th सेंचुरी AD में जब इस्लामिक स्टाइल पेंटिंग डेवलप होना शुरू हुआ ना दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, तो वो एक्स वीरभद्रा टेम्पल है, यहाँ पे प्राइमरी कलर का मेंशन ज्यादा है, ठीक है। मतलब प्राइमरी कलर यहाँ पे कम है, मतलब डार्क कलर्स आपको कम मिलेंगे। प्राइमरी कलर कौन कौन से होते हैं? रेड, ग्रीन, येलो, ठीक है, इस तरीके के कलर यहाँ पे कम मिलेंगे। लैंडस्केप्स आर फुल ऑफ ट्रीज एंड अदर डिजाइन, ठीक है। मतलब इसमें इस्लाम में ट्रीज और ये डिजाइन तो मिल जाएंगे आपको, जालियों पे जैसे डिजाइन होते हैं फूल पत्ती के डिजाइन, उसके अलावा ह्यूमन फिगर आपको नहीं मिलेगी, मतलब इंसानों का फिगर आपको नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। व्यू ऑफ द फेसेस इज फ्रॉम द 3 क्वार्टर एंगल्स एंड गिव्स अ डिटैच्ड अपीयरेंस, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे मिलेगा, मतलब यहाँ पे आपके जो है 3 से 4 जो है आपके क्वार्टर एंगल से फेसेस दिखाए गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से। डायरेक्ट जैसे आप फ्रंट से दिखाएं चेहरा, वो तो आपकी अलग बात हो जाएगी, पर यहाँ पे आपका जो फेस दिखाने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स अगला चलते हैं दिल्ली सल्तनत, ठीक है। दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत कहाँ से शुरू हुआ था? स्लेव से, स्लेव डायनेस्टी। अब इन्होंने इमारत बनवाने में तो बहुत अपना इंपॉर्टेंट रोल दिया, जैसे अपना कुतुब मीनार हो गया, कुतुब मीनार के अलावा पेंटिंग क्या बनाते थे भाई, पेंटिंग में भी तो थोड़ा कुछ होना चाहिए। तो पर्शियन एलिमेंट मिलेगा आपको यहाँ पे, कि जो ईरान में जो पेंटिंग्स का काम चल रहा था वही पेंटिंग का भी, जो जो जानते थे वही तो बनाएंगे, वो इन्होंने बनाना शुरू किया। अब इलस्ट्रेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट यहाँ पे होंगे, कहने का मतलब है कि मैन्यूस्क्रिप्ट को थोड़ा सा और डिजाइनर इन्होंने बनाया, ठीक है, और डिजाइनर। फ्लोरा फौना ज्यादा मिलेगा, क्यों मिलेगा? क्योंकि जो इस्लाम है उसमें फ्लोरा फौना का ही ज्यादा यूज किया गया, ठीक है। अब देखो इसका निमात्मा, ये जो इसकी दिल्ली सल्तनत की पेंटिंग का एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, इसमें लोधी कुलाधार स्टाइल वॉज ऑल्सो प्रिविलेंट। अब देखो इसमें किस तरीके से जो कोट लगा हुआ है, दरबार है, और आपका 3D बनाने की कोशिश करते थे बट बनती नहीं थी, वो बात अलग है, ठीक है। अब देखो अगला मुगल एरा, अब आ गए हम मुगल टाइम पे। तो मुगल टाइम पे पेंटिंग्स कैसी हो जाएंगी? मुगल टाइम पे आपका पेंटिंग ज्यादातर जो है पर्शियन इन्फ्लुएंस भी होगा, साथ के साथ हिंदुस्तानी भी मिक्स हो जाएगा, मतलब जो इधर से आपका पर्शियन आ रहे हैं, इधर से आपका राजपूत, उस समय बहुत पॉपुलर होते थे तो राजपूत का स्टाइल उन्होंने चोरी किया। तो यहाँ पे फोकस ऑन गॉड, ग्लोरीफाइंग द रूलर, शोइंग हिज लाइफ,
पोर्ट्रेट जो बनाए जाते थे ना वो राजा के ही बनाए जाएंगे। एक बात ध्यान रखना, आपको मुगल में ना कभी भी आम आदमी का जीवन नहीं देखने को मिलेगा, बहुत रेयरली कोई हो गया भाई आम आदमी के बारे में कोई बात दिखाई गई है। जैसे मैं एनसीईआरटी में दिखाया था, वो लाल किले पे कुछ काम चल रहा है तो पत्थर पकड़ा रहे हैं, इस तरीके का काम है, वो शायद थोड़ा बहुत दिख जाए, बट नॉर्मली आपको सिर्फ वहां पे रूलर ही दिखेंगे, बाकी वहां पे कोई आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका यहाँ पर कि जो मुगल एरा है यहाँ पे कलर्स बहुत अच्छे से यूज किए गए हैं। ठीक है, कलर्स यहाँ पे बहुत अच्छे से यूज किए गए हैं। इसके बाद अगला जो पेंटिंग आ जाएगा, मुगल्स जो हैं इस स्टाइल में, जो आपका मिनिएचर पेंटिंग, मिनिएचर मैंने आपको बता दिया है, मिनिएचर पेंटिंग जब आपका पेंटिंग के 1/6 हिस्से में ही वो ऑब्जेक्ट बनाया जाए, उससे ज्यादा जगह वो ना घेरे। ठीक है, रियल लगती थी, राजगद्दी पर बैठे वजीर पड़ोस में खड़े हैं। ठीक है जी, अच्छा बात है। ये देखो, ऑब्जेक्ट्स वर ड्रॉन इन अ वे दैट दे लुक क्लोजर एंड स्मॉलर देन दे रियली आर। मतलब ऑब्जेक्ट्स इस तरीके से बनाए जाते थे, या जो आप वहां पे इंसान की पिक्चर बना रहे हैं वो इस तरीके से बनाई जाती थी कि ऐसा लगता था जैसे ये रियल में जितना दूर होना चाहिए उतना दूर नहीं है, थोड़ा पास नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये उनका तरीका था बनाने का। अब देखो मुगल पेंटर्स, फेमस पेंटर्स कौन कौन से हो जाएंगे, पहली बात है बाबर। बाबर जो है कई बार इन्होंने बिनजाद, इनके टाइम पे ये फेमस पेंटर हो जाएंगे, बाबर के टाइम पे। आयुषी गुड मॉर्निंग, प्लीज प्लीज ट्राई टू कम ऑन टाइम। ठीक है, आपका यहाँ पे समय हो जाएगा 9 AM, सुबह 9 बजे का टाइम हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो आप प्लीज जरूर आइए, जरूर आइए आप समय पर। ठीक है, तो ये वैसे भी आपका मतलब इस समय पे आप एकदम हाइपर एक्टिव होते हैं, है ना, तो एक्टिव होते हैं तो जल्दी से आप टाइम से क्लास लीजिए, तभी मजा आएगा ना। इसके बाद हुमायूं, हुमायूं के टाइम पे कौन हो जाएगा फेमस पेंटर, इसमें बहुत कम लोग जानते हैं कि वो भी बहुत इंटरेस्टेड थे कला में। ठीक है, हुमायूं के पास बेचारे के पास उसकी किस्मत इतनी खराब थी, कभी भगा रहे हैं हिंदुस्तान से, कभी वापस आ रहे हैं, फिर से मर गए बेचारे, बिना टाइम उनकी मौत आ गई थी। तो यहाँ पे देखिए मेन पेंटर्स इनके टाइम पे हो जाएंगे अब्दुल समाद एंड मीर सईद अली। ठीक है, मीर सईद अली इनके टाइम के फेमस पेंटर्स हो जाएंगे। अब बात करते हैं अकबर की। अकबर जो है वो एंटायर डिपार्टमेंट फॉर पेंटिंग्स कॉल्ड खारखाना, ठीक है, कारखानास, ठीक है, ये एस है, मतलब अकबर इतने ज्यादा आर्ट के लवर थे कि उन्होंने कारखाना भी बनवाए, फैक्ट्रीज बनवाई पेंटिंग्स बनाने के लिए, आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए, बाकी सब चीजों के लिए। ठीक है, और वर्कशॉप्स के लिए। सेल्फ पोर्ट्रेट यहाँ पे बहुत फेमस हो जाएगा, देखिए सेल्फ पोर्ट्रेट मतलब देखो ये सेल्फ का पोर्ट्रेट कि भाई मैं कबूतर पकड़ूंगा मेरा फोटो बनाओ, मैं पेड़ पकड़ू मेरा फोटो बनाओ। ये होता है सेल्फ पोर्ट्रेट, बनाओ जी मेरा फोटो बनाओ, ऐसे 4-5 घंटे तक मैं ऐसी बैठी रह सकते हो, मेरा फोटो बनाओ। तो ये पोर्ट्रेट बनाने का तरीका था उनका, आज भी बनते हैं ऐसे, बहुत सारे लोगों को शौक होता है, स्पेशली जो नए नए जो प्रेम जोड़े होते हैं, प्रेमी जोड़े होते हैं, उनको बहुत ये शौक होता है, राइट। और इंडियन इन्फ्लुएंस हैज बीन स्टार्टेड, इसमें 3D फिगर आपको मिलने लगी। 3D फिगर ऐसा होता है ना कि वो 3 डायमेंशन से होती है, उसको ऐसा लगता है रियल है, राइट। हाँ, कारखाना मीन्स फैक्ट्रीज, समझ आ गया। अब इसमें कैलीग्राफी, कैलीग्राफी मतलब होता है सुलेख, आप जो सुंदर राइटिंग होता है ना हाथ से लिखना, उसको कैलीग्राफी बोलते हैं, ये भी मैन्युस्क्रिप्ट ही होती है। इसमें कोर्ट लाइफ दिखाया गया है, कोर्ट लाइफ का मतलब कि आप राजा बैठे हैं, इधर से जो अकबर है, इधर से आपका बीरबल खड़े हैं, इधर से मानसिंह खड़े हैं, तो ऐसे मतलब इनका बनाया जाता था, राइट। फिर यहाँ पे आपका दरवंद और बासवान और केसु इनके टाइम के फेमस पेंटर्स हो जाएंगे। अब बात करते हैं आगे की, ये देखिए नेक्स्ट हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर के समय पे क्या होता था, मैम एक ग्रुप में शेयर किया क्लास को, वहां के टीचर बोले हंस के, भाई साहब हमारी भी क्लास है 9 बजे से, किसी और दिन बच्चे भेज देंगे। अच्छा जी, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। जहांगीर, जहांगीर के बारे में बात करें तो आपको पता है शेखू बाबा और सलीम जी, शहजादा सलीम इनको बोला जाता था। इसके इनके टाइम पे क्या होता था, मुगल पेंटिंग्स में ज्यादातर नेचुरलिस्टिक पेंटिंग बनाई जाने, मतलब नेचर की जो बातें हैं, नेचर की चीजें हैं
वो ज्यादातर ये दिखाना इन्होंने शुरू कर दिया। अब यहाँ पे देखो यूनिक ट्रेंड क्या था कि डेकोरेटेड मार्जिन, ये जो मार्जिन हो जाएंगे ना इनके जो बॉर्डर्स हो जाएंगे और ये जो आपका आउटलाइन की जाएगी ये डेकोरेटेड होती थी थोड़ी, मतलब अच्छे से बोल्ड होती थी। बाई ही हिमसेल्फ अ ग्रेट आर्टिस्ट ओन प्राइवेट वर्कशॉप्स, मतलब इनका ये खुद बड़े आर्टिस्ट थे, अपनी इनकी वर्कशॉप्स होती थी। ठीक है, इसके बाद उस्ताद मंसूर इनके टाइम पे फेमस पेंटर हो जाएंगे। ठीक है, वो हो जाएगा। इसके बाद आते हैं शाहजहां। शाहजहां को कौन नहीं जानता, शाहजहां तो बोलते थे कि मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट हूँ, खुद भी वो मतलब डिजाइन में काम करते थे और उनका जो जो आपका ताजमहल हो गया है, कितना ज्यादा एफर्ट लगाया है, कितना पैसा लगाया है इतने बड़े बड़े मॉसोलियम बनाने में, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनवाने में, लाल किला पता नहीं क्या क्या बनवाया इन्होंने, बाग बहुत फेमस थे मुगलों को, बाग बनवाते थे, चार बाग टेक्निक तो मैंने समझाया ही है ना। हाँ, अकबर बड़ा मास्टर आदमी था और अकबर खुद अनपढ़ थे बट उनका पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था और आपका धर्म में बहुत इंटरेस्ट था उनका। ठीक है, तो शाहजहां की बात करें तो शाहजहां लाइट आर्टिफिशियल एलिमेंट्स, जैसे कि आप कुछ है नहीं मौजूद नहीं पर बना दो। ठीक है, जैसे मैं बैठी हूँ पोर्ट्रेट ही तो सच्चाई है कि मैं बैठी हूँ, ऐसे पेन हाथ में लिया है ये तो सच्चाई है ना कि मैं इसी का पोर्ट्रेट बनवा रही हूँ। अब मैं बोलूँ कि नहीं मैं बैठी हूँ मेरे पीछे एफिल टावर लगा दो, मैं फोटोशॉप कर दो। ठीक है, तो उस समय का जो फोटोशॉप होता था ये शाहजहां के टाइम पे शुरू हुआ था, मेरे पीछे एफिल टावर लगा दो, मुझे पेरिस जाना है, ठीक है जी, तो पेरिस में मुझे मौजूद करा दो अभी के अभी। तो ये होता था शाहजहां के टाइम पे। इन्होंने क्या किया था, रिड्यूस लाइवलीनेस, मतलब सच्चाई जो होती है वो उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश की कि भाई लोगों को लगे कि ये तो फेक है, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। यूरोपियन इन्फ्लुएंस और यूज ऑफ चारकोल स्केच पेंटिंग्स इसके टाइम पे चालू हुई, याद रखना ये पॉइंट्स, ठीक है, जरूरी है। इसके टाइम पे क्या शुरू हुआ, गोल्ड और सिल्वर का यूज भी इस्तेमाल भी शुरू हुआ पेंटिंग्स में। चेंज इन स्टाइल एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल हुआ, मतलब स्टाइल और टेक्निक में थोड़ा थोड़ा चेंज यहाँ पे हुआ होने लगा। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद यहाँ पर रीजनल स्कूल ऑफ आर्ट, अब रीजनल मतलब जो लोक स्कूल है, लोकल स्कूल है, फोक आर्ट्स है, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखिएगा इसमें क्या हो जाएगा ना कि आपका लोकल स्कूल की अगर बात करें तो आपका अलग अलग पार्ट है भारत के, पता नहीं कौन कौन से, चाहे आप राजस्थान की बात करें, आप बंगाल की बात करें, इस समय की अगर मैं आपको बताऊं इजीली तो यहाँ पे देखिएगा, चलिएगा अब यहाँ पे निकी जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राजस्थानी स्कूल जो है इसमें आप देखिएगा राजपूत स्टाइल ये हो जाएगा, बेसिकली बीकानेर है, जयपुर है, जोधपुर, किशनगढ़, अलग अलग हिस्से में अलग अलग तरीके की पेंटिंग्स बनाई जाती थी। इसमें मेन बात ये हो जाएगी कि गंगा जमनी कॉन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर्स इसकी अगर बात करें, इंस्पायर्ड फ्रॉम मुगल एंड दिल्ली सल्तनत, इसमें मतलब आप मुगल और दिल्ली सल्तनत दोनों का मिक्स मिलेगा आपको रीजनल स्कूल राजस्थानी स्पेशल। ठीक है, अगर राजस्थान की हम बात करें तो दोनों का मिक्स इसमें मिलता है इसकी, और अलग अलग इसके टाइप भी है, टाइप क्या है ये बताऊंगी आपको। मेवाड़ स्कूल, मेवाड़ स्कूल क्या हो जाएगा, मेवाड़ आपका चित्तौड़गढ़ का एरिया, फोकस ऑन साहिबदीन पेंटिंग्स, आपका रसिक प्रिया इसमें हो जाएगा, रामायणा, भगवत पुराण, आफ्टर हिज डेथ, मतलब ये जो फेमस जो आपका साहिबदीन हो जाएंगे, साहिबदीन जो फेमस पेंटर्स थे उनके समय पे बिना बनाया जाता था, और जैसे कि इसमें रामायण, भगवत गीता, पुराणों का ज्यादा इन्फ्लुएंस दिखाया गया है पेंटिंग्स में दिखाई, मतलब देखिए जैसे कि आपका विष्णु पुराण हो गया, आपका यहाँ पे भगवत पुराण हो गया, और इस तरीके से जो भगवान राम का जो लाइफ है वो दिखाने की कोशिश की गई इन पेंटिंग्स में। स्टाइल जो है चेंज हो गया, तमाशा पेंटिंग्स आ गई है, स्टार्टेड कोर्ट लाइफ। ठीक है, अब इसमें जो है एक और स्टाइल देखो आप ध्यान रखना, तमाशा पेंटिंग कब से, मेवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट से शुरू हो गया है। अगला है किशनगढ़, किशनगढ़ की फेमस देखो चीज है, आंखें देखो मैडम की, आंखें देखो, इनका नाक देखो, और इनका जो है बाकी अगर मैं बोलूं तो बाल बहुत लंबे बनाए जाते थे। ठीक है, आंखें बहुत लंबी खींच दी जाती, जितना हो सकता था आंखों को लंबा बना दो इनका, जो अगर आर्टिस्ट होगा उनका गुरु जो भी होगा जो उस्ताद वो बोलेगा भाई आंखें बताओ कैसी बनाए गुरु जी, तो बोलते जितना लंबा हो सके खींच दो इसको, जितना लंबा हो सके खींच देते थे आंखों को, बताओ भाई तरीका है, तो इनका स्टाइल है अपना अपना। ओके, इतना लंबा रियलिस्टिक तो नहीं होता ना इतना। अब यहाँ पे सावंत सिंह है, बनी ठनी पेंटिंग्स में बहुत फेमस हो जाएगी, ये आपका क्वेश्चन आ चुका है।
रोमांस है, भक्ति है, मिथ्स है, इन सब टॉपिक्स पे आपका यहाँ पे बनाई जाती है जो ये आपकी पेंटिंग्स है। ये निहाल चंद बहुत फेमस पेंटर हो जाएंगे इस टाइम पे। राधा कृष्ण से बड़े इन्फ्लुएंस थे, उनके प्रेम से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, तो हर जगह इन्होंने राधा कृष्ण लगाया हुआ है। आप घरों में भी जाएंगे ना कई बार, जो राजपूत घर होते हैं, आप राजस्थान में जाएंगे, हवेलियां होती हैं जो, तो वहां पे ये बड़ी बनी ठनी और ये सब जो पेंटिंग है दीवारों पे मिलती है। बड़ा ही मतलब शौक होता है लोगों को कि ये पेंटिंग दीवारों पे बनवाने का। नॉर्मल नॉर्मल घरों में भी दीवारों पे बन जाएंगे। तो उसमें क्या होता है, ऐसी पेंटिंग है, ऐसे ये कोई नाच रहा है, कोई राधा कृष्ण, कोई गोपियां पीछे भाग रही हैं, वो मजेल कर रहे हैं, वो पानी में बह रहे हैं, ऐसे कुछ मतलब मटका चुरा रहे हैं, इस तरीके के जो तरीके हैं इन्फ्लुएंस है वो मिलता है। ठीक है, मैं मार्टिन कल्चर की एनएस काफिर है क्या, और कोई बुक एनएस की समझ नहीं आया मुझे। ये देखो, इसके बाद यहाँ पर एक और क्वेश्चन, बनी ठनी पेंटिंग कहाँ से है? अभी मैंने बताया था आपको बनी ठनी पेंटिंग्स कहाँ से है, बता दीजिए जरा। और आज स्टूडेंट्स क्यों नहीं आ रहे, क्या पता नहीं है क्या क्लास है, कहाँ गए सब के सब? बनी ठनी पेंटिंग्स जल्दी बताइए, आंसर दीजिए। थर्ड का डी, किशनगढ़। ओके, बनी ठनी सिंपल लिखा हुआ है, बनी ठनी, और आप लोग इतना टाइम लगा रहे हैं। चलिए जी, तो किशनगढ़ जगह से, किशनगढ़ स्टाइल में बनी ठनी नाम की पेंटिंग्स बनाई जाती है। ठीक है, अब देखो बूंदी स्टाइल, बूंदी कहाँ है, बूंदी कोटा, और ये जो हारोती जहाँ पे बोली जाती है लैंग्वेज, वहां का ये प्लेस है जहाँ पे ये पेंटिंग्स बनाई जाती है। हारोती लैंग्वेज है, ठीक है, हाड़ोती, और बूंदी कोटा डिवोटीज ऑफ कृष्णा 18th century AD, और राव राम सिंह द सेकेंड, लोकल वेजिटेशन इसमें ज्यादा पाई जाती है। देखो पेड़ पौधे बहुत ज्यादा डिटेल में बनाए गए हैं इधर, ये क्योंकि वहां पे पेड़ पौधे हैं भी, बहुत ज्यादा अच्छे से वेजिटेशन है वहां पे कोटा के एरिया में। अगर आप कभी जाए देखना, बहुत सूदिंग वहां का एनवायरमेंट है। रेड रिबन विजिबल इन द स्काई, स्काई में मतलब रेड रिबन यहाँ पे विजिबल होता है, तो ये इसकी पहचान होती है, बूंदी स्टाइल पेंटिंग। ठीक है नीरज, अब है आमेर और जयपुर का स्टाइल। अब इसमें क्या है, आमेर हम जयपुर को जो बोलते हैं, धुआंधार, धुआंधार ये पेंटिंग्स हो जाएंगी, और इसमें स्कूल में फिनिश फोक स्टाइल, जैसे आपका ये देख सकते हैं सवाई प्रताप सिंह ने ज्यादा, क्योंकि सवाई प्रताप सिंह इन्होंने ही जो जयपुर जो है, आपको पता है सवाई राजा जय सिंह, इनके ही टाइम पे जो जयपुर जो है फॉर्म किया गया था, तो ये जो राजा थे 18th century में, इन्होंने ही इसको पैट्रोनाइज किया था, इन वाली जो आपकी आमेर और जयपुर स्टाइल की जो पेंटिंग्स है उनको। ठीक है, तो पेंटिंग आपको दिखाई भी दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रही है, मैं अपने को छोटा कर लूं? अब ठीक है ना, देखिए दिखाई दे रही, चलिए तो नीरज जी आगे देखते हैं, ये क्या हो गया आज, स्टूडेंट्स हैं क्यों नहीं, कहाँ जा रहे भाग के, हो क्या रहा है, क्लास नहीं करना है आप लोगों को, पढ़ना नहीं है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये, वाई यू आर नॉट अटेंडिंग द क्लास? अब तो मॉर्निंग है और ये प्राइम टाइम होता है, मैम कन्वर्टेड हस 1/6 बिल्कुल सही कहा। तो क्या रीजन है आप लोग क्लास करने में इंटरेस्टेड क्यों नहीं, समझ नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ तो बताइए, बोरिंग है मैम, अच्छा नहीं लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है, और पढ़ना तो पड़ेगा आपको, नो डाउट। ये सब जो पेंटिंग्स के टाइप है मैं बता रही हूँ, इतने ज्यादा मैंने इसीलिए इंक्लूड किए हैं क्योंकि ये आपको जरूरी है पढ़ना। ठीक है, और इसके साथ साथ जो नेक्स्ट टाइम चल लेते हैं, मारवाड़ स्कूल, मारवाड़ कहाँ है, जोधपुर का जो एरिया है, बीकानेर, यहाँ पे राठौड़ जो होते थे उन्होंने इनको पैटर्नाइज किया है, इन पेंटिंग्स को। ठीक है, ये देखो पेंटिंग थोड़ा सा मैं, हाँ राठौड़ जो है जैसलमेर वाले, उन्होंने भाटी है जो, देखो बीकानेर से आपके राठौड़ हो गए और जैसलमेर से भाटीज हो गए,
इन्होंने 15वीं और 16वीं शताब्दी में ये जो कलरफुल क्लोथिंग के साथ ही पेंटिंग्स बनवाई थी, ठीक है। हाँ वही ना, मंडे है तो क्या, मंडे है तो क्या, ये कोई रीजन है आपको जॉब थोड़ी करना, आप तो पढ़ना है, पढ़ेंगे नहीं तो फिर जॉब कैसे करेंगे। तो दिस इज नॉट द राइट रीजन। सावन सोमवार वाले हूँ, ओ ऐसा है क्या। चलिए इसके बाद यहाँ पे बीकानेर स्कूल की हम बात कर लेते हैं। बीकानेर आपको पता है, बीकानेर भुजिया भी आपको खाया होगा कभी। तो बीकानेर जो है वो फेमस है आपका, यहाँ पे ज्यादातर जो है रियलिस्टिक, थोड़ी सी रियलिस्टिक एज कम्पेयर टू अदर्स पेंटिंग्स पाई जाती हैं। 16th to 18th century है और मुगल्स के साथ अलायंस हो गया था, क्योंकि मुगल जब ढलने वाले थे और यहाँ के जो आर्टिस्ट थे वो इधर उधर से मुगल्स वाले आ जाते थे, और थोड़ा सा ना मुगल्स वाला आर्ट इसमें आ गया था, तो दोनों का मिक्स हो गया था। पैलेस सीन मेड बाय ये जो आपका पाटशाही चित्रकार, ये मुगल कोर्ट से हो गए, पेंटर्स फ्रॉम मुगल्स, डेक्कन एंड अदर राजपूत स्टेट, ये हो गया, ठीक है। शायद कुछ जल लेने गए हैं ला, अच्छा जी किस दौरे पर गए हैं, चलिए नहीं ऐसा कुछ नहीं, अभी तो 15 लोग आए थे, कहाँ चले गए थे। पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग, पहाड़ी स्कूल के बारे में देख लेते, पहाड़ी कहाँ है, ये वही अपना जी उत्तराखंड हिमाचल वाला ये जो एरिया है, सब हिमालयन स्टेट हो जाएंगे। इसमें आपका जो है क्या हुआ था कि मुगल्स जब खत्म होने वाले थे, तो मुगल्स के यहाँ पे जो आर्टिस्ट काम करते थे वो ऊपर की तरफ चले गए। कहने का मतलब ऊपर, जैसे कि आपका हिमाचल हो गया, ऊपर आपका उत्तराखंड हो गया, वहां पे जाके उन्होंने वो आर्ट फॉर्म है वहां पे यूज की, तो वो सिर्फ स्टेट का जो आर्ट था उसमें वो मिक्स हो गया, ठीक है। जैसे कि आपका अराउंड 22 प्रिंसली स्टेट थे मुगल्स के टाइम पे, स्ट्रेचिंग फ्रॉम JNK टू अल्मोड़ा, यहाँ पे वो लोग चले गए JNK से अल्मोड़ा जो उत्तराखंड में है वहां के बीच में वो फैल गए। ना जम्मू और डोगरा स्कूल, इसमें नदन सीरीज में आती है पेंटिंग्स, कांगड़ा स्कूल में सदन सीरीज में आती है, क्योंकि जम्मू वाला एरिया तो ऊपर हो जाएगा तो उसको नदन सीरीज बोल देंगे, कांगड़ा नीचे हो जाएगा उत्तराखंड तो नहीं उसको ये बोल देंगे सदन, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल सही कहा। तो ये इस तरह की पेंटिंग्स कांगड़ा स्टाइल हो जाएगी, जिसमें मुगल का स्टाइल मिक्स है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कांगड़ा स्कूल। अब कांगड़ा स्कूल की अगर बात करें, आफ्टर मुगल्स आर्टिस्ट माइग्रेटेड टू कांगड़ा राजा गोवर्धन सिंह इन 1774, इसमें अच्छा जी दिल मांगे मोर कैप्टन विक्रम बत्रा ओके। तो राजा गोवर्धन सिंह इन 1774 पीक टाइम, राजा संसार चंद इसमें जो फेमस पेंटर्स हो जाएंगे उनके नाम है ये। प्रिया जी गुड मॉर्निंग, टाइम से आइए। सब्जेक्ट्स आर गीत गोविंद, गीत गोविंद जो जयदेव ने लिखी थी बहुत फेमस है इनकी राइटिंग, भगवत पुराण हो गया, नल दमयंती हो गया, इनकी जो स्टोरीज है ना ये पेंटिंग्स में दिखाई गई है कांगड़ा में, ठीक है। ज्यादातर बोलते हैं जैसे कांगड़ा में कैसे दिखाया जाए, मंदिरों में कैसी पेंटिंग लगेंगी, भगवान की लगेंगी ना, तो जो जगह जहां से बिलोंग करते हैं लोग उसी तरीके का लाइफ स्टाइल उसमें दिखाना पसंद करेंगे, ठीक है। क्लास में नहीं आ रहे आप लोग और अच्छा नहीं लग रहा है। लाइक तो कर दीजिए, बीकानेर वाला बी बारबेक्यू नेशन, अच्छा जी। चलिए इसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट जो हो जाएंगे, इसमें कांगड़ा मैंने बता दिया, कांगड़ा के बाद आता है आपका इसमें देखो कांगड़ा की एक और खास बात मैं बता देती हूँ, 12 months मतलब फेमस पेंटिंग है जिसमें पूरे 12 महीनों को दिखाया गया है, पतझड़ आता है, सावन आता है, इस तरीके से 12 months इसमें पूरा दिखाया गया है। कांगड़ा स्कूल में जो फेमस इसका पेरेंट स्कूल हो जाएगा कुल्लू चंबा और मंडी, यहाँ पे जो पेंटिंग्स बनाई जाती थी उसी का बाद में डेवलपमेंट आ जाता है, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग उनको बोला जाता है, ठीक है। चलिएगा इसके बाद अब बाशोली, बाशोली भी आपका पहाड़ी हो जाएगा 17वीं शताब्दी में। ये एक्सप्रेसिव फेसेस होते थे, बड़ी बड़ी आंखों के साथ, लोटस पेटल की तरह इनकी जो आंखें बनाई जाती थी, इनकी आंखें थोड़ी सी बड़ी बनाई जाएंगी, ठीक है, इस तरीके से ऐसे बनाई जाएंगी, फिश नहीं हो गया ये, फिश तो लंबी वाली हो गई ना, ऐसे फिश तो इस तरीके की हो गई, तो इसमें लोटस पेटल की तरह आंखें बनाई जाती थी। वही तो समझ नहीं आता, नहीं पता नहीं सब्सक्राइब करते हैं क्या करते हैं लोग। इसके बाद देखो रेड येलो ग्रीन मुगल स्टाइल पेंटिंग क्लोथिंग हो जाएगी इन देयर ओन वे, राइट।
राजा कृपाल सिंह है, गीत गोविंद है, रामायणा है, एक्सेट्रा, राधा कृष्ण है, ये सब जो पेंटिंग्स है आपकी फेमस है यहाँ पे जो बनाई जाती है। फेमस पेंटर देवीदास नाम के पेंटर हो जाएंगे जो बाजोली स्कूल में अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाते थे। ठीक है, अभी मौका मिले तो देखना इन पेंटिंग्स को सर्च करके। अब आती है मिनिएचर पेंटिंग्स की बात, जो साउथ इंडिया में हम बनाएंगे। साउथ इंडिया फेमस है अपनी केव्स पेंटिंग के लिए, अपनी जो है बहुत ज्यादा ऑर्नामेंटेशन करने के लिए, पेंटिंग्स में बहुत ज्यादा कारीगरी करने के लिए, है ना। अब इसमें साउथ इंडिया की बातें अगर मैं बताऊं आपको, तो ये मिडाइवल पीरियड में ज्यादा डेवलप हुई पेंटिंग ज्यादा बनाने की कला। ठीक है, पहले मूर्तियां स्कल्पचर ज्यादा बनते थे साउथ इंडिया में। मेन डिफरेंस है नॉर्थ इंडिया से यूज ऑफ गोल्ड, मेनली डिवाइन क्रिएचर्स। कहने का मतलब है साउथ इंडिया की पेंटिंग्स में ज्यादातर आपको भगवान मिलेंगे और ज्यादातर उनमें मेटल्स का यूज होगा। मेटल्स जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये और जो महंगे महंगे जेम्स होते हैं वो भी उसमें यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये राजा रवि वर्मा है, ये तो मॉडर्न इसका डिपिक्शन, इसको थोड़ा सा वो करने का कोशिश किया गया है, कॉपी राजा रवि वर्मा की ये पेंटिंग्स थी और इनको जो मॉडर्न एक्ट्रेसेस हैं उन्होंने ऐसे ही मतलब रिप्रेजेंट करने की कोशिश की अपने तरीके से। ये देखिए, इसके बाद स्टूडेंट्स देखिए तंजोर पेंटिंग्स। तंजोर पेंटिंग्स जो तंजावर आपका पता है आपको, वहां की पेंटिंग्स में ज्यादातर जो है गोल्ड क्लोथ पे बनाई जाएंगी, ब्रिलियंट कलर्स होंगे, गोल्ड लीफ जो है आपका यूज किया जाएगा, पत्तियां यूज की जाएंगी। ठीक है, देखिएगा इसके बाद जो है डेकोरेटिव है होती बहुत ज्यादा, वो कितना ज्यादा इसमें काम किया गया, और ये सब सोना लगाया जाता है, चांदी लगाया जाता है, और ये जो बालाजी भगवान है उनका जो पिक्चर है ये बनाया जाता है, ज्यादातर भगवान की पिक्चर्स बनाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब दूसरी पेंटिंग जो हो जाएंगी इसमें स्टोन का, जेम स्टोन मैंने बताया, ये देखो जेम स्टोन लगे हुए हैं, हरे 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 सब जेम स्टोन लगे हुए, सोना लगाया गया है ये जो भगवान की जो मूर्ति है इसमें। ठीक है, इसमें सरफोजी महाराज के टाइम पे ये पीक टाइम पे रही है, इसमें करंटली है बर्ड्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, बिल्डिंग्स आती हैं। ठीक है, अब देखिए मैसूर पेंटिंग्स। मैसूर पेंटिंग्स की अगर बात करें तो इसमें आपका जो मैसूर हो जाएगा कहाँ पे, हैदर अली का स्टेट है बताया मैंने आपको। उसके अलावा यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका हो जाएगा मेनली मैसूर है, मैसूर के साथ साथ जो आपका साउथ कर्नाटका में जगह है वहां पे ब्रिटिशर्स का भी इन्फ्लुएंस आपको मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस, वही सेम बात, क्योंकि साउथ इंडिया से है तो साउथ इंडिया की ज्यादातर पेंटिंग्स हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस की ही होती हैं। टू फिगर्स होती है पेंटिंग्स में, बट वन फिगर प्रीडोमिनेट्स, दो फिगर बनाई जाती है बट एक ज्यादा बड़ी बनाई जाएगी, ये इसका मेन मतलब हो जाएगा। देखो हर एक पेंटिंग का अलग अलग मतलब है, हर एक पेंटिंग में अलग अलग खास बात है। ठीक है, तो सबको पढ़ना है, सबको रिवाइज करना है, इंपॉर्टेंट है एक क्लास, समझिए। क्वेश्चन आएगा इससे, करो क्वेश्चन जरूर आता है, जो कंफ्यूजिंग टॉपिक्स होते हैं ना वो पसंद है यूपीएससी को, आते हैं वहां से। अरे बहुत कंफ्यूजिंग, कितनी मैंने आपको 10-20 से ज्यादा बता दिया टाइप्स। इसमें देखो गैसो पेस्ट होता है जो जिंक ऑक्साइड और अरेबिक गम को मिला के जो पेस्ट बनाया जाता है ना उसकी उसको यूज किया जाता है पेंटिंग्स में, ये इंपॉर्टेंट है। गैसो पेस्ट बोल दिया जाएगा नॉर्थ इंडियन पेंटिंग्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है, राजपूती पेंटिंग्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है। सोचोगे ये तो क्या है, कुछ समझा समझ नहीं आता, अगर यहाँ पे ध्यान से क्लास लेते तो समझ आता ना, है ना। अब इसमें एंड म्यूटेड कलर्स, नॉट सो ब्राइट, म्यूटेड मतलब जो थोड़ा धीमे कलर हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा धीमे या लाइट कलर्स है, देखो डार्क कलर्स कहीं भी यूज नहीं किए गए, इनके बाल बना रहे हैं और ये पंखा कर रही है, जो पंखा पंखा ना होते तो बस कुछ नहीं होता, तो वैसे ही होता था, वो बहुत हंसते थे हम। मतलब ये जो आप पीरियड कोई भी अगर आप देखेंगे जो भी सीरियल्स होते हैं उनमें आप तो ऐसे ऐसे हिलाते हैं उस पंखे से, क्या फायदा है, कुछ होता तो है नहीं इससे। चलिएगा, इसके बाद मॉडर्न पेंटिंग्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज की क्लास में इतना ही। मॉडर्न पेंटिंग में और भी मैं आपको एग्जाम्पल बता चुकी हूँ, दिखाया कुछ जाता है, मीनिंग कुछ और होता है, तो काफी डीप समझना होता है इनको पेंटिंग्स को, वो हम नेक्स्ट क्लास में समझें। ठीक है, तो आज तक इतना ही, आपका मिडाइवल मैंने कंप्लीट कर दिया, एंशियंट मैंने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, दो मैंने ये पेंटिंग्स आपकी कंप्लीट कर दी है, अब मॉडर्न पेंटिंग्स की मैं बात करूंगी। ठीक है, मॉडर्न पेंटिंग्स, ओके, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इसकी। सो थैंक यू सो मच नुसरत, थैंक यू सो मच नीरज, पायल, हाँ जी क्लासेस ले तब ना, क्लासेस लेते ही नहीं, आप लोगों को सोचना चाहिए ना, इंपॉर्टेंट है ये, और क्या हो गया है समझ नहीं आता, हमें भी खुद समझ नहीं आ रहा, इतना कम स्टूडेंट्स क्यों आ रहे हैं, इन सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे इतने ज्यादा होने के बावजूद भी, एटलीस्ट 50-40 तो नॉर्मल होना चाहिए, 100 तक आना चाहिए, आप लोग टोटल 100 नहीं आते, बताओ, बहुत ही दुख भरी बात है।
थैंक यू सो मच पीयू, थैंक यू सो मच अमरीश जी, ऐसे ही मुझे संगीत के जो है परफॉर्मेंस आप देते रहिएगा। ओके चलिए हम आपको अपने आप को बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे। और हाँ एक और बात, शाम की जो क्लास है ना वो शायद लेट हो, और थोड़ा सा क्योंकि मुझे बीच का टाइम आजकल कुछ काम है तो मैं बिजी रहती हूँ, तो शाम की जो क्लास हो थोड़ा सा और लेट होगी, सुबह और बीच सुबह या तो अर्ली मॉर्निंग जैसे 9 बजे का तो ठीक है, इसके बाद वाला टाइम मैं फ्री रखूंगी थोड़ा। ठीक है, देखते हैं फिर, जैसा भी होगा आपको बताया जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।